डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। जी हाँ, इंसेक्टिसाइड को कैटेगराइज करने के काफी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, कोई इनऑर्गेनिक हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, बट हम जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन है, मतलब उनका काम करने का तरीका क्या होता है। इससे पहले कि हम इंसेक्टिसाइड की तरफ जाएं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर पेस्ट क्या होता है। पेस्ट कोई भी एक इंसेक्ट या फिर अदर लिविंग बीइंग हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन अगर फसल में इतनी ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से फसल को या तो कोई इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं या फिर इंसान को या उसके पशु लाइव स्टॉक को कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो रही है, तब हम उसको पेस्ट बोलते हैं। तो मतलब पेस्ट कहलाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंसेक्ट को पेस्ट बोलेंगे, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है तभी हम उस इंसेक्ट को पेस्ट बोल सकते हैं। और नंबर एक तो यही है कि उसका या तो कोई इंसेक्ट होना जरूरी है या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है, मतलब फंगस बैक्टीरिया इसको भी पेस्ट बोला जा सकता है। उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होनी चाहिए जिसकी वजह से फसल को कोई इकोनॉमिक लॉस हो या फिर ह्यूमन को या उसके लाइफ स्टॉक को कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे फसल में कोई एक मक्खी दिखाई दे रही है और हमने उसको पेस्ट बोल दिया, नहीं, उसको हम पेस्ट तभी बोलेंगे जब उसकी पॉपुलेशन एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड लेवल तक पहुंच जाए और उस लेवल पे पहुंचने के बाद हमें लगता है कि ये हमारी फसल को इकोनॉमिक लॉसेस पहुंचा सकती है, तब हम इसको पेस्ट बोलते हैं और तब हम उसको कंट्रोल करने के मेजर्स अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसेक्ट को पेस्ट बोला जा सकता है, वो इंसेक्ट पेस्ट तभी कहलाएगा जब वो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करे। अब जो इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं या पॉइजन यूज किए जाते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, उसी केमिकल या पॉइजन को इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कि उनका काम करने का तरीका क्या है उसके बेस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला आता है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सिस्टेमिक मतलब ये सिस्टम के अंदर जाके काम कर रहा है। मान लीजिए आपने कोई इंसेक्टिसाइड पौधे के ऊपर स्प्रे किया या फिर रूट्स के पास एप्लीकेशन किया, तो वो रूट्स के द्वारा अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है या स्प्रे करने पे अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है प्लांट्स के अंदर और प्लांट के सिस्टम में। जी हाँ, सिस्टम के अंदर इंटरनली ट्रांसलोकेटेड होता है और ऐसी जगह पे जाके कंसंट्रेशन करता है जहाँ के की एरियाज एरियल हैं, यानी कि वो हवा में रहते हैं, ऐसे एरियाज जैसे कि पत्तियां, तो पत्तियों में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब मान लीजिए कोई कीड़ा पत्ते के ऊपर लगा हुआ है और वो वहां से पत्ते के अंदर से रस को चूसता है, तो रस चूसने के साथ साथ उसके अंदर इंसेक्टिसाइड भी जाता है और रस चूसने के बाद कीड़े का जो अंदर मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्टेड होता है और कीड़ा फाइनली मर जाता है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि ये वाला इंसेक्टिसाइड ऐसे कीड़ों के ऊपर काम करेगा जो कि रस को चूसते हैं, मतलब कि सकिंग इंसेक्ट्स हैं। सकिंग इंसेक्ट्स का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल व्हाइट फ्लाई है, जो कि रस चूसने के द्वारा फसल को बर्बाद करने का काम करते हैं। और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे डाइक्रोटोफॉस, डाइमेथोएट, मेटासिस्टॉक्स, सिस्टॉक्स, मोनोक्रोटोफॉस, फॉस्फोमिडोन, थीमेट एटसेट्रा। नंबर 2 पे आता है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। यहाँ पर भी नाम से क्लियर है, कॉन्टैक्ट मतलब यह कीड़े को तब मारेगा जब कोई कीड़ा इसके कॉन्टैक्ट में आ जाए। मान लीजिए कोई कीड़ा फसल के ऊपर लगा हुआ था, आपने इसका स्प्रे किया, एप्लीकेशन किया, तो ये कीड़े के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उसकी जो कुछ वल्नरेबल साइट्स हैं या छिद्र हैं उनके द्वारा कीड़े के अंदर चला जाएगा और उसके बाद कीड़े को मारने का काम करेगा। जैसे कि पिक्चर में दिखाया है कि कोई कीड़ा है तो उसका जो ट्रैकिया है वहां से वो इंसेक्टिसाइड अंदर घुस गया और फिर कीड़े को मार दिया। इसके जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है मेलाथियोन, डायाजिनोन, थियोडेन, कार्बरिल, बेगोन एटसेट्रा। नंबर 3 पे आता है स्टोमिक इंसेक्टिसाइड। यहाँ पर भी नाम से क्लियर है, स्टोमिक मतलब ये कीड़े के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके काम करेगा। अब आपने कोई इंसेक्टिसाइड जो कि प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया हुआ था, उसके ऊपर कोई कीड़ा लग गया, उसने पत्ते को काटना चालू किया, तो खाना चालू किया तो धीरे धीरे कुछ इंसेक्टिसाइड का पार्ट उसके पेट में चला गया, वहां पे उसने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद किया और कीड़े को फाइनली मार दिया। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करके कीड़े को मार रहा है इसलिए स्टोमिक इंसेक्टिसाइड बोला। ये ऐसे कीड़ों के ऊपर काम करेगा जो कि च्युइंग टाइप पेस्ट हैं, जो कि कीड़े को काट जो कीड़े पत्तियों को काटने का काम करते हैं, बाइट करने का काम करते हैं,
और इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टॉक्साफीन। इसके अलावा जो क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स होते हैं वो जनरली स्टोमिक एंड कॉन्टैक्ट दोनों टाइप के पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं और इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हेप्टाक्लोर, एंडोसल्फान, डीडीटी एक्सेट्रा। नंबर फोर पे आता है फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड्स। यहाँ पर भी नाम से क्लियर है कि ये गैसियस फॉर्म में रहेगा। आपने इसका स्प्रे किया तो ये गैसियस फॉर्म में है, वहां पर कीड़े लगे हुए हैं, वो श्वसन क्रिया करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ये इंसेक्टिसाइड उनके अंदर जाएगा और तब कीड़े को मारने का काम करेगा। तो इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कीड़ा पत्ते का रस चूसेगा या फिर पत्ते को काटेगा। उसकी फीडिंग हैबिट्स कोई भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फीडिंग हैबिट ये किसी भी टाइप के कीड़े के ऊपर उसको मारने के लिए काम कर सकता है। तो दिस इज फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड्स और इसका कॉमन एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड।